अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नीलाज डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम इमली ली है, और अब इसे मैं एक बाउल में डाल के इसके अंदर नीम गर्म पानी डाल दूंगी और इसको एक दो घंटे के लिए भिगो दूंगी। इस तरह से हमें इमली के सीड्स निकालने में आसानी हो जाएगी। और आसानी से मैंने ये सीड्स इसके अलहदा कर दिए हैं और इसका पल्प जो है वो अलहदा कर लिया है। आप चाहे तो ऐसी इमली भी ले सकते हैं मार्केट से जो कि बग़ैर सीड्स के होती है, उससे ज़रा हमारा काम आसान हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इस चटनी में किन किन चीज़ों का यूज़ करूँगी। बाजार जैसी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून सादा नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ही इसमें काला नमक जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी, ज़ीरा पाउडर भी इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा, और एक छोटा टुकड़ा मैं अदरक का यूज़ करूँगी, और साथ में मैंने 2-3 टेबलस्पून जो है वो सौंफ का अर्क निकाला है। आप चाहें तो सौंफ का जो है पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और गुड़ इसमें जाएगा 400 ग्राम और चीनी जाएगी 4-5 टेबलस्पून। हम गुड़ और चीनी दोनों का यूज़ करेंगे अपनी चटनी में। अब हम इमली के पल्प को एक ब्लेंडर में जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप भी इमली की चटनी को बना के ज़रूर स्टोर किया करें, क्योंकि फिर ये जब हमें दही भल्ले बनाने हों या पकौड़े बनाने हों या इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम फ़ौरन से इसको निकालते हैं और फिर हम अपने यूज़ में ले आते हैं। ये इमली की चटनी बना के स्टोर की हो तो फिर हमारा काम ज़रा आसान हो जाता है। बस कोई भी चटपटी चीज़ हो, कोई दही भल्ले हों, कोई पकोड़े हों या फ्रूट चाट हो तो हम फ़ौरन से इसको निकालते हैं और हमारा काम ज़रा आसान हो जाता है। पल्प को मैंने ब्लेंड कर लिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। आप किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लें। आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन करने से हमारा पल्प जो है कितना स्मूथ हो गया है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। इससे जो गंद वगैरह होता है वो भी सारा जो है स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकल आता है। तो चलिए फ्लेम ऑन करके मैं 2-3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूंगी। 2-3 मिनट मैं ज़ीरे को इसमें भून लूंगी और फिर मैं इसके अंदर अपना इमली का जो पल्प है वो सारा इसमें डाल दूंगी। मैं तो अपने फ्रिज में हर वक्त ही जो है इमली की चटनी रखती हूँ, और जब भी ख़त्म हो जाए दोबारा बना के फिर स्टोर कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प और फिर हम इसे पकाएँगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब मैं इसके अंदर अदरक का एक टुकड़ा डालूंगी। आप चाहें तो अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही मैं इसमें गुड़ भी शामिल कर देती हूँ ताकि गुड़ भी हमारा जो है इसमें मेल्ट हो जाए, और चीनी भी मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि चीनी भी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। गुड़ और चीनी दोनों यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि फिर बहुत अच्छा जो है वो हमारा एक बैलेंस हो जाता है और चटनी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाजार जैसा बनता है। मैंने 400 ग्राम इमली ली थी और 400 ग्राम ही मैंने इसमें गुड़ यूज़ किया है, और चीनी जो है वो गुड़ के मुकाबले में कम यूज़ होगी। मैंने 4-5 टेबलस्पून चीनी यूज़ की है। अब अपने मैं तमाम मसाले जो हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर, और इसी तरह सौंफ का अर्क, सब कुछ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और जब ये थोड़ी सी थिक होने वाली हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर 1-2 चुटकी जो है वो रेड फूड कलर यूज़ करूँगी। उससे बड़ा अच्छा कलर आएगा हमारी चटनी में। चटनी हमारी थिक हो गई है। अब मैं इसके अंदर से अदरक का टुकड़ा जो है वो रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इसका अर्क जो है वो हमारी चटनी में आ चुका है। अब इस स्टेज पर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, और अब ठंडी होने के बाद मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी। सिरका जो है वो इसे जल्दी ख़राब नहीं होने देगा और स्टोर करने में हमारी हेल्प करेगा। आप 6 माह तक इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं होगा, और जब आपको ज़रूरत हो तो उतनी निकाल के यूज़ कर लिया करें। चम्मच के ऊपर इस तरह से कोट हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारी चटनी जो है वो बिल्कुल सही रेडी हुई है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और भी थिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्टेज पर बिल्कुल सही लग रही थी, मैं ऐसी ही रखती हूँ। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। दुनिया की हकीकत तो ये है, जिसकी जेब में वज़न होता है उसकी बात में भी वज़न आ जाता है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।